हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज की जीके की क्लास का हमारा टॉपिक है फेमस म्यूजिशियंस, मतलब प्रसिद्ध संगीतकार। ये आपको आपकी जीके की बुक में पेज नंबर 4 पर मिलेगा। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस म्यूजिशियंस, आइडेंटिफाई देम बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स ऑफ द ऑप्शंस इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड, चूज योर ऑप्शंस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है कि ये कुछ फेमस म्यूजिशियंस की पिक्चर दी हुई हैं, इनको पहचानना है पिक्चर से कि ये कौन है, फिर इस हेल्प बॉक्स में उनका नेम लिखा हुआ है तो आपको उनका नेम पर कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो इधर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर जो है वो किसकी पिक्चर है, आशा भोसले। आशा भोसले कौन है, इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं जो कि इंडियन मूवीज़ 1000+ इंडियन मूवीज़ में सिंगिंग कर चुकी हैं। इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं ये आशा भोसले। तो आशा भोसले इसमें डी नंबर पर दिया गया है तो हमें इसमें डी फिल करना है, ओके। फिर इसके बाद है सेकंड नंबर पर जो पिक्चर दी हुई है वो है एडले। ये कौन है, ये इंग्लिश सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर, मतलब ये सिंगिंग भी करती हैं सॉन्ग राइटिंग भी करती हैं। तो ये एडले ये किस नंबर पर है, आई नंबर पर, हेल्प बॉक्स में आई नंबर पर, तो हमने इधर आई फिल कर दिया। इसी तरह आपको भी करना है। फिर थर्ड जो पिक्चर है वो पिक्चर है जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन क्या है, तबला वादक हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। तो ये कौन है, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन किस नंबर पर दिया गया है, ई नंबर पर, तो आपको ई इधर फिल कर देना है। फिर इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पिक्चर पर। जो फोर्थ पिक्चर है वो पिक्चर है नेहा कक्कड़ की। नेहा कक्कड़ कौन है, इंडियन सिंगर हैं ये और सिस्टर हैं ये सोनू कक्कड़। सोनू कक्कड़ जो कि प्लेबैक सिंगर है, इंडियन प्लेबैक सिंगर, और उनकी सिस्टर है नेहा कक्कड़, ये भी सिंगर हैं। तो ये एच नंबर पर दी हुई हैं तो आपको एच नेहा कक्कड़ इधर एच लिख देना है क्योंकि एच नंबर पर इधर इनका नेम लिखा हुआ है। फिर आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर की जो पिक्चर है वो है बियॉन्से। किसकी, बियॉन्से, ये अमेरिकन सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर हैं, ठीक है। तो ये किस नंबर पर हैं, बी नंबर पर, तो हमें बी फिल कर देना है इधर इनकी पिक्चर के साइड में। फिर आते हैं सिक्स्थ वाली पिक्चर पर। सिक्स्थ वाली जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है, फ्रेडी मर्करी। ये ब्रिटिश सिंगर हैं और साथ में सॉन्ग राइटिंग भी करते हैं, सॉन्ग राइटर हैं। तो फ्रेडी मर्करी किस नंबर पर दिया है, सी नंबर पर, तो आपको इधर सी फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेवेंथ पिक्चर पर। जो सेवेंथ पिक्चर है वो है हरी प्रसाद चौरसिया की। ये क्लासिकल फ्लूटलिस्ट हैं, मतलब ये फ्लूट बजाते हैं क्लासिकल अंदाज में, और ये इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, कौन, हरी प्रसाद चौरसिया। तो हरी प्रसाद चौरसिया किस नंबर पर हैं, ए नंबर पर, तो आपको इधर ए फिल कर देना है। इसके बाद आते हैं हम एट्थ नंबर पर। एट्थ नंबर की जो पिक्चर है वो है अनुष्का शंकर। ये ब्रिटिश इंडियन सितार प्लेयर हैं, सितार बजाती हैं ये, और कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र, ठीक है। तो ये कौन है, अनुष्का शंकर, तो ये किस नंबर पर हैं, जी नंबर पर, तो हमने इधर जी फिल कर दिया। इसके बाद लास्ट एंड नाइन्थ पिक्चर जो है वो पिक्चर है लता मंगेशकर की। इनको सभी जानते होंगे, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कौन है, इंडियन प्लेबैक सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर दिया गया है एफ़ नंबर पर, तो हमें एफ़ नंबर पर ये लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है इसी तरह इनकी पिक्चर्स से। इनको जो जो पिक्चर्स आपको पता है कि ये किसकी पिक्चर है वो आपको दोबारा देखनी हो, जो नहीं पता है आपको पहचानना है कि ये इनकी पिक्चर है। ये सभी क्या है, फेमस प्रसिद्ध संगीतकार। फैक्ट फाइल देखिए क्या कहता है, लता मंगेशकर द फेमस इंडियन सिंगर इज़ ऑल्सो नोन एज स्वर कोकिला। जो फेमस इंडियन सिंगर हैं लता मंगेशकर, उनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। फॉर हर मेलेडियस वॉइस, उनकी बहुत ही मधुर आवाज़ के कारण।
सी रिकॉर्डेड हर फर्स्ट सॉन्ग एट द एज ऑफ 13। उन्होंने अपना पहला गाना कब रिकॉर्ड किया था? मात्र 13 वर्ष की उम्र में। तो आज की क्लास में इतना ही, इनको आप फिल कर लीजिए और देखिए, पिक्चर से पहचानिए इनको। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे।